आमो राज्य रा प्रथम नागरिक आमो मान्यवर राज्यपाल महोदय जगन्नाथ महाप्रभु कर निजे जने बड़ भक्त आम संस्कृति प्रति समर्पण आम लोक प्रति भल पाइबा जो आम समस्त हृदय स्वतंत्र स्थान एवं सम्मान अनुरोध करी आजिकार उद्घाटक मुख्य अतिथि मान्यवर राज्यपाल ओडिशा श्री रघुवर दास महोदय को सभा को संबोधित करेंगे। जय जगन्नाथ। राज्य चलचित्र पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर विराजमान उड़ीसा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती पड़िया जी, उड़ीसा भाषा साहित्य और संस्कृति, उच्च शिक्षा, खेल और युवा सेवा के माननीय मंत्री सूर्यवंशी सूरज जी और फिल्म जगत को प्रोत्साहित कर रहे हमारे एकाम्र विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री बाबू सिंह जी, प्रमुख शासन सचिव श्री विष्णुपद सेठी जी, निदेशक श्री विजय केतन उपाध्याय जी, प्रबंध निदेशक श्री सामर्थ वर्मा जी, मोहन सुंदर देव गोस्वामी लाइफ टाइम अचीवमेंट के सभी हमारे पुरस्कार वरिष्ठ गण, जाने माने फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, सिने प्रेमियों, भाइयों और बहनों, अपनों मन को समस्तु को मोर शुभेच्छा अभिनंदन नमस्कार जोहार। उड़ीसा चलचित्र के इस भव्य समारोह में शामिल होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जो 32वें, 33वें और 34वें राज्य चलचित्र पुरस्कार वितरण समारोह का प्रतीक है। यह अवसर न केवल एक अनमोल क्षण है बल्कि उड़ीसा सिनेमा की गौरवशाली परंपरा में एक उल्लेखनीय कीर्तिमान भी है। यह एक ऐसी परंपरा है जो 8 दशकों से कलात्मक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक प्रतिबिंब का प्रतीक बन रही है। भारतीय सिनेमा सचमुच शतरंजी इंद्रधनुष की तरह जो विभिन्न हलकाई जवानों, संस्कृतियों और आख्यानों के किस्से बयान करते हैं। और अभी हमारे तीनों जो प्रोड्यूसर हैं इन्होंने अपने व्याख्यान में बताया, एक हमारे पुरस्कार ने अपने बॉम्बे के 27 वर्ष की फिल्म जगत की छोटी सी झांकी हम लोग के समक्ष प्रस्तुत की। यह परंपरा हमारे सांस्कृतिक ताने बाने के भीतर गहराई से जमी है। उड़ीसा में इस कला ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उज्ज्वलित लोकगीत और कालातीत मूल्यों के सार को खूबसूरती से सजाया है और समाया है। 1936 में पहली उड़िया फिल्म सीता विवाह से लेकर समकालीन उत्कृष्ट कृतियों तक उड़ीसा के फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने न केवल उड़ीसा सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा को अपनी रचनात्मक और समर्पण से समृद्ध करना जारी रखा है। आज हम उन दूरदर्शी लोगों, कलाकारों और तकनीशियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उड़ीसा सिनेमा के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। उनके काम ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है बल्कि समाज को शिक्षित, एकजुट और सशक्त भी बनाया है। चलचित्र पुरस्कार उनकी उपलब्धियों का महोत्सव है। यह उन लोगों की प्रतिभा को पहचानता है जिन्होंने सिनेमा की उत्कृष्टता की सरहद को आगे बढ़ाया है। यह जानकर खुशी हो रही है कि 33वां राज्य चलचित्र महोत्सव उड़िया फिल्म की विविधताओं को प्रदर्शित करने, कथन को बढ़ावा देने और उभरती प्रतिभाओं को प्रेरित करने के लिए यह एक महामंच के रूप में कार्य करती है। इस तरह के आयोजन नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ साथ हमारी पहचान को संरक्षित करने, बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में सिनेमा की महत्व को
पुष्टि करते हैं। आज हम उड़ीसा सिनेमा के तीन दिग्गज श्री अनंत महापात्रा जी, श्री निवास महापात्रा जी, श्री जयराम सामंत जी जो हास्य अभिनेता है, अभी कुछ क्षण पहले हम लोग को हंसाने का भी काम उन्होंने किया है। उनकी आजीवन उपलब्धियों और उड़ीसा सिनेमा में योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित मोहन सुंदर देव गोस्वामी पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने दर्शकों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्कृष्टता की मानक स्थापित की है। उनकी यात्रा भले ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन चलचित्र उद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक रचनात्मक की याद दिलाती है। यहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले सम्मानित किया जा चुका है और कुछ हैं जो आज पुरस्कृत होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हों को भविष्य में पुरस्कार दिए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहेंगे और अपने अपने पैसे और अपने राज्य के लिए गौरव बढ़ाते रहेंगे। उड़ीसा को प्राकृतिक ने दोनों हाथ से अपना वैभव लुटाया है। यहाँ एक से एक अच्छी प्राकृतिक छटाएं हैं। मैं उड़ीसा के फिल्म उद्योगों के हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे साहस और नवाचार से फिल्म बनाएं या बनाने में सहयोग करें, बड़े बड़े सपने देखें और उसे साकार करने के लिए अच्छे अच्छे फिल्म बनाएं, अपनी अनहोनी कहानियों को बयान करें, अपनी सामूहिकता आकांक्षाओं का खुशी बनाएं तथा वैश्विक सिनेमा को समृद्ध बनाने में योगदान देते हुए सिनेमा के शक्ति को वृद्धि करें। मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि अपने इस उड़ीसा में फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जो बोर्ड है उसमें उड़ीसा के फिल्म निर्माताओं या बाहर के निर्माताओं को सब्सिडी दे, ताकि अधिक से अधिक उड़ीसा के लोग फिल्म बनाए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी भाषा और संस्कृति नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री रोजगार भी बड़े पैमाने पर देती है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि उड़ीसा की भाषा संस्कृति न सिर्फ देश दुनिया में उड़ीसा चलचित्र अपनी एक पहचान बनाए। मैं आज सभी पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आपकी रचनात्मक नई ऊंचाई को छुएगी। हमारे दर्शक मानसिक रूप और विधाओं के लिए तैयार है। यह साहसी और नवाचारी फिल्म बनाने का वक्त है। भविष्य दुस्साहस की है, भविष्य दृढ़ और भविष्य यहाँ है। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।